वर्धा जिले में कारंजा तहसील संतरों के लिए काफी मशहूर है। कुदरती तौर पर संतरा पेड़ की आयु 25 से 30 साल की होती है, लेकिन कारंजा तहसील में देलवाड़ी गांव के श्री जगदीश जी कांपसे जी का 20 साल पुराना 2 एकड़ संतरा रासायनिक तरीके से देखभाल के कारण खराब हुआ था। इसका मुख्य कारण है पारंपरिक रासायनिक खेती की पद्धति और खेती के लागत खर्च में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी। ऐसी स्थिति में पारंपरिक खेती के बजाय पद्मश्री सुभाष जी पालेकर की निसर्ग खेती के तंत्र को अपनाकर देसी गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग करके 1 एकड़ जमीन से 3 से 4 लाख रुपयों का उत्पादन लेकर किसानों के सामने आदर्श प्रस्तापित किया है। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा विष मुक्त खेती का कार्यक्रम मैं अपने खेत में भी 3-4 सालों से चला रहा हूँ। KGBF के अधिकारी लोग आते हैं, नियमित तौर पर जानकारी देते हैं, उनके डेमो सीख कर हम उसी तरह अपनी खेती कर रहे हैं। गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत बनाते हैं, घनर जीवामृत बनाते हैं। मेरे बगीचे में मैं इसी का उपयोग करता हूँ। ये जो संतरे का बगीचा है, 4 साल पहले ये लगभग सूख गया था, उसे हमने जीवामृत घनर जीवामृत इनके उपयोग से इन पेड़ों को नई जिंदगी दे सके है। एकदम नवनवीन केला। पिछले 3 वर्षों में मैंने 1 लाख 2 लाख और 2.5 लाख रुपए ऐसा मुनाफा लिया है। संतरा के अलावा श्री जगदीश जी कपास गेहूं तिल तुअर जैसी अनेक फसलें खेत में लेते हैं। ये जीवामृत है। ये हम संतरों के पेड़ को 5 लीटर के हिसाब से डालते हैं। यही जीवामृत हम गोबर के खाद पर डालते हैं, जिससे घना जीवामृत बनता है। और 15-20 दिन के बाद जब वो अच्छे से मिल जाता है, तब एक एक घमेला एक एक पेड़ को हम देते हैं। यही हमारा खाद है, यही हमारा सब कुछ है। उनकी कुल 17 एकड़ जमीन रासायनिक खेती से कुदरती खेती में तब्दील हुई है। आंतर फसल के रूप में जवस धनिया सांबार ऐसी 2-3 छोटी छोटी फसलें ली है। श्री जगदीश जी कांपसे जी ने निसर्ग खेती के तंत्र को अपनाकर खुद को समाज को और कुदरत को पुष्ट किया है। देसी गाय के गोबर गोमूत्र के प्रयोग से आज उनकी जमीन उपजाऊ बनी है। मेरा 20 साल पुराना ये 200 पेड़ों का बगीचा है, ये लगभग सूख गया था और हर साल रासायनिक खाद डालकर उसकी उपज काफी कम हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन 20,000 के ऊपर 1 रुपया भी मुनाफा नहीं बढ़ा। उसके बाद बजाज फाउंडेशन के कार्यक्रम के जरिए उसी साल मेरा मुनाफा 2,40,000 रुपए हुआ। पेड़ पुनर्जीवित हुए। फाउंडेशन द्वारा बंसी गेहूं बुआई के लिए मुहैया कराए गए। 1.25 एकड़ खेत में मुझे 8 क्विंटल गेहूं हुआ। खर्च निकाल कर कुल मिलाकर 2.5 से 3 लाख रुपयों का मुनाफा मुझे हुआ है। निसर्ग खेती या कुदरती खेती, ये प्रकल्प पिछले 7 साल से वर्धा जिले के 435 गांवों में चलाया जा रहा है। आज रासायनिक खेती के अनेक कोरोना जैसे भयानक दुष्परिणाम मानव जाति को भुगतने पड़ रहे हैं। धरती माता को केमिकल रूपी जहर खिला पिला के बीमार कर दिया और इसकी वजह से पेड़ पौधे जानवर और पूरी मानव जाति कई प्रकार के रोगों से बीमार हो गई है और मानव जाति ने अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। ये ध्यान में रखते हुए कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की इस पहल से किसानों का जीवन सुधरते हुए दिख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है विषमुक्त खेती की तकनीक हर किसान भाई ने अपनाई तो किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिक उपज के साथ जमीन का दर्जा भी अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि खुदकुशी करने की भी नौबत नहीं आएगी। हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे तो कर्ज निकालने की जरूरत ही नहीं। देसी गांव और वनस्पति आधारित ये प्राकृतिक खेती बिना खर्च वाली और खेती को शाश्वत रखने वाली पुरानी और पौराणिक परंपरा है। इस परंपरा से ना धरती माता बीमार रहेगी, ना पेड़ पौधे, ना जानवर और ना तो कोई मनुष्य बीमार रहेगा। राष्ट्र सुजलाम सुफलाम होगा। किसान आत्मनिर्भर होगा तो गांव आत्मनिर्भर होगा, और गांव आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। हम सभी ने कुदरती खेती का आदर्श लेकर
खुद के परिवार का स्वास्थ्य और देश को भी बचाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं और एक समृद्ध और श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। प्रस्तुतकर्ता कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा। धन्यवाद।